जी आज हम बना रहे हैं स्पाइरल पोटैटो। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये मैंने ये आलू लिए हैं लेकिन मैंने इसकी स्किन नहीं उतारी, इसको अच्छी तरह धो के और मैंने इसे साफ कपड़े से ड्राई कर लिया है। अच्छा, उसके अलावा ये स्टिक हमें चाहिए होगी, ठीक है। और हमें सॉस बनाने के लिए टमाटो चिली सॉस, मायोनीज और मस्टर्ड पेस्ट, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच मैदा और 2 ही चम्मच कॉर्नफ्लावर। इन सब का पेस्ट बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, और ये है उसकी मशीन, ये बहुत इजीली आराम से मिल जाती है, मेरे पास ये मशीन थी तो इस तरह मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ किस तरह ये बनते हैं। ये इस तरह से देखें कट होता है, ये कट होता चला जाएगा, ये देखिए सब कट हो रहे हैं। फिर ये इस तरह के शेप में आ जाएंगे, ठीक है। जो हमने मिक्सचर बनाया है, क्या कहते हैं, मैदे और कॉर्नफ्लावर का, उसको हमने थोड़ा सा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, देखिए इस तरह का करना है, इस तरह। अब ये इसमें हम ऐड इस तरह से, ये सब आयरल पोटैटो को इस तरह लग जाएगा, अच्छी तरह से कोट हो जाएगा और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। एक एक में करके कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से अंदर अंदर भी ये सब चीजें चली जाए। इस तरह से कोट करना है और ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था गरम पे, तो बिल्कुल मीडियम आंच पे मैंने उसको गरम किया हुआ है। आए चलो हम इसको उसमें डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे प्रोसेस। सॉस तैयार कर लेते हैं। यह है चिली गार्लिक केचप, अब इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया और अब इसमें मायनीज डाल देंगे और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम जो है इसके ऊपर इसको लगा देंगे और अगर चाहे तो फ्लेवर्स भी लगते हैं कई तरह के, जो मैं आपको आइंदा आगे बनाना सिखाऊंगी, तो फ्लेवर डाल दें नहीं तो चाट मसाला डाल दें। एक हम पूरी वीडियो करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स जो मार्केट में होते हैं वो सब सिखाएंगे इंशाल्लाह।